प्रदेश के सीमांत नगर पांवटा साहिब में आजकल यात्रियों का स्वागत कीचड़ से हो रहा है। बस अड्डे पर पहुंचने वाले यात्री जैसे ही बस से उतरने के लिए पांव जमीन पर रखते हैं, तो वह कीचड़ से सन जाते हैं। कारण यहां के बस अड्डे की खस्ता हालत है। अड्डे का फर्श जगह जगह से टूट गया है, गड्ढे बन गए हैं जिसमें आजकल बारिश के बाद पानी भर जाता है। गंदगी के कारण यह कीचड़ में बदल जाता है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि 3 माह पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बस अड्डे के जीर्णोद्धार के लिए शिलान्यास किया, जिससे लोगों में बस अड्डे की हालत सुधरने की आस जग गई थी, लेकिन अभी तक कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। पांवटा साहिब बस अड्डा प्रदेश के पुराने बस अड्डे में शुमार है। यहाँ पर जिला सहित रोजाना बाहरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सैकड़ों बसों में यात्री पहुँचते हैं, जिनका आजकल बस से उतरते ही कीचड़ से स्वागत हो रहा है। इसके विषय में तो अभी कोई खास पता लग नहीं रहा है। हमने तो यही सुना है कि भाई अभी टेंडर नहीं हुए हैं और यहाँ कोई काम भी शुरू हो नहीं रहा है। अभी यात्रियों को किस प्रकार की समस्याएं आ रही है सामने? समस्याएं तो कई किस्म की है जी। ग्राउंड टूटा हुआ है, आजकल बरसात में बड़ी दिक्कत है, पानी रुका हुआ होता है, समस्या तो आएगी। आपने उच्च अधिकारी को इस बारे में अवगत करवाया? उच्च अधिकारी को तो पता ही है जी, यहाँ शिलान्यास हुआ था, सारे उच्च अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए थे, मगर उसके बाद तो ना कोई आया ना कोई काम शुरू हुआ है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पांवटा साहिब से दिनेश पुंडीर की रिपोर्ट।